आज ही इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम तहज्जुद के लिए मस्जिद नबवी जा रहे हैं और हमारी अपॉइंटमेंट भी लगभग फजर से पहले की है रियाजुल जन्ना की। बासित साहब ने हमें ज्वाइन किया है तो हम इंशाल्लाह फजर पढ़ के बासित साहब हमें डिटेल्ड टूर देंगे जन्नतुल बकी का, तो हम वहाँ पहुँचते हैं और फिर आपको अपडेट देते हैं। अच्छा जी, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है, ये जो एक छतरी है ना, इस छतरी के नीचे कितने नमाजी आ सकते हैं ये आप देखें ज़रा। तो मुझे बताया गया है कि एक छतरी के नीचे 1000 बंदा नमाज पढ़ सकता है और इसका जो एक कपड़ा है ये जापान से आया है और ये जो स्टेम है ये जर्मनी से आई है। वैसे देखने में इतनी बड़ी लगती नहीं लेकिन इसमें 1000 बंदा समा जाता है, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, ये बासित भाई हैं जो आपने मेरी पुरानी मदीना की वीडियो देखी थी उसमें मुझे बासित साहब थे जो कैमरे के पीछे गाइड कर रहे थे और पूरा समझा रहे थे। आज इनसे मुलाकात हुई तो आज हमें मदीना शहर की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। जी बासित साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकात। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने वो मदीना वाले ब्लॉग्स को देखा, आप सब लोगों ने देखा, उम्मीद है आपको आपने इन्जॉय किया होगा। आज आपको नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिजरत और मदीना और उनका जो इस एरिया में आना है ना, उससे रिलेटेड कुछ आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देंगे बेसिकली। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस एरिया का जो ताल्लुक़ है ना वो नबी करीम अलैहिस्सलाम से कैसे था। तो आप जो ये वाला एरिया देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पे घर हुआ करते थे बनू नजार के असल में। अब ये बताते, ये आपको आपने सुना होगा कि मदीना में 2 तरह के अंसार कबीले थे, एक का नाम था औस और एक का नाम था खजरज। ठीक है, ये जो एरिया था ना यहाँ पे खजरज रहा करते थे, ये जहाँ पे आप सारा जहाँ पे मस्जिद नबी देख रहे हैं ना, खजरज रहा करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जैसे बताया है कि मदीना का जो सबसे अफजल कबीला जिसके बारे में सबसे ज़्यादा फजीलत है उसका नाम है बनू नजार। अब बनू नजार के अंदर एक और थे, एक कबीला था जो था बनू अबी इबिन नजार, उनके घर यहाँ पे हुआ करते थे। अब ये नाम बताना क्यों बहुत अहम है, ये नाम बताना इसलिए बहुत अहम है कि इस कबीले की खातून थी, उनका नाम था सलमा, उनकी शादी हुई थी अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह सलामुल्लाह अलैह, उनके वालिद से शादी हुई थी जो कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के दादा थे बेसिकली। उनकी जो फैमिली का ताल्लुक है इधर से था, ठीक है, इसलिए बताना ज़रूरी है। और आपने सुना होगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब छोटे होते वक्त आए थे तो वो हिजरत जब वो आए हैं छोटे होते तो इसी एरिया के अंदर आए थे। सही। अच्छा, तो क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो फैमिली थी ताजिर फैमिली थी, वो लोग क्या करते थे, वो जब मदीना से शाम की तरफ जाते थे तो इस एरिया में रुक के जाते थे। तो यहाँ पे उस कबीले के ऑलमोस्ट इस एरिया में घर हुआ करते थे। और आए मैं आपको दिखाऊँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम जब छोटे होते थे तो यहाँ पे सामने इस एरिया में तालाब हुआ करता था। ओके। यहाँ पे तालाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है पानी था वहाँ पे खेला करते थे। सही। ठीक है, और ये जो सामने वाला एरिया देख रहे हैं ना, उसके तकरीबन उस एरिया में वो जगह थी जहाँ पे उनके वालिद मोहतरम जो हैं जो कि अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो दफन हुए थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम छोटे होते वक्त मोरलेस इस एरिया में थे। अच्छा, इस पूरे एरिया में। जी जी, इस एरिया में थे। सही। हाँ जी। अच्छा, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो वालदा मोहतरमा हैं उनका जो ताल्लुक़ है वो भी बनू नजार कबीले से था। सही। वो भी इधर से ही उनका ताल्लुक़ था बेसिकली। उनकी शादी हुई क्योंकि इधर आते जाते थे वो लोग, तो इधर उनकी शादी हुई बेसिकली, अपना वो मक्का में बेसिकली वो रहते थे। तो ये 2 चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा अहम है कि इस जगह का नबी करीम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ क्या था। अब हम थोड़ा सा कैमरा और जो अपना माइंड को थोड़ा सा लेके जाते हैं हिजरत की तरफ। अच्छा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिजरत जो है ना, एक बड़ा, अगर आप उसको एज हिस्टोरियन स्टडी करते हैं या जब आप उसको एज आ आप स्टडी करते हैं, एक इंटेलेक्चुअल तरीके से स्टडी करते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आपको पता लगती हैं। तो उसके बारे में हम आपसे बताएं, आपसे इंशाल्लाह भी बात करेंगे। हम शुरू करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मदीना की बाहर बाउंड्री के अंदर आ गए ना, उसकी बाहर बाउंड्री के अंदर आ गए, जो वो कुबा के पीछे वाला इलाका है उस एरिया के अंदर असल में आए थे, तो उनके पास 2 डिसीजन थे कि या तो वो इस एरिया में डायरेक्टली आ जाए या वो कुछ और करे। तो उन्होंने कुछ और डिसीजन लिया। असल में जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मदीना आए ना उस वक्त ये दो कबीले जो औस और खजरज जो दोनों कबीले हैं ना, इनमें लड़ाई थी, इनमें एक प्रॉब्लम चल रहा था बेसिकली। तो वो उन्होंने सोचा कि मैं डायरेक्टली अगर इधर आया तो औस के लोग कहेंगे कि ये तो डायरेक्टली अपने लोगों के अंदर चले गए। तो उन्होंने रूट चेंज किया, उन्होंने वहाँ से एक डिफ़िकल्ट रास्ता लेके, छोटा सा पत्थरों वाला रास्ता, काले पत्थरों वाला रास्ता, वो लेके फिर वो कुबा वाले एरिया के अंदर गए, क्योंकि वहाँ पे जो कबीला है औस आबाद था। वहाँ पे वो गए, वहाँ पे जाके उन्होंने जो औस और खजरज के दरमियान में सुलह कराई बेसिकली। और वहाँ पे घर है कुसुम इब्न हदम रदियल्लाहु अन्हु का, जो वहाँ पे उस एरिया के सरदार थे। वहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलाम रहे। उसके बाद में जब वहाँ पे कुबा मस्जिद बन गई और मस्जिद जुमा वाला वाक़या हो गया, देन ही कंटिन्यूड ऑन। फिर जो कस्बा उनकी ऊँटनी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट इस एरिया जो है इसके अंदर, इस गेट, ये जो गेट है ऑलमोस्ट इधर से उनकी जो ऊँटनी है वो दाखिल हो के फिर वो आगे की तरफ गई, उस तरफ। जी जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते चलें कि जो तला अल बदरू अलैना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना तला, अच्छा असल नबी करीम अलैहिस्सलाम को बहुत वेलकम किया गया। पहले जब आए उधर जो एरिया में आए उधर उनको वेलकम किया गया, बड़े अच्छे उनके बारे में अशार बोले गए। उसके बाद में जब जुमा मस्जिद के करीब आए, आगे इसकी थोड़ा सा आगे, वहाँ पर उनको किया गया। फिर दोबारा जब इधर आए तो फिर इधर किया गया, उनको इस तरीके से वेलकम किया गया। तो आए आपको देखे चलते कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के इब्तदाई मदीना में आयाम कैसे चले। अभी अजान के बाद, अभी फजर का टाइम नहीं हुआ है, अभी इसमें तकरीबन सवा घंटा बाकी। तो ये अजान कौन सी थी? असल में मदीना की जो बाउंड्री थी ना, वो कुछ वो एक बड़ा शहर था, तो मस्जिद नबी में अजान इसलिए पहले दी जाती थी, फजर के टाइम से पहले अजान इसलिए दी जाती थी कि लोग जो है जाग जाए और फजर की तैयारी करें। फिर उसके बाद में जब फजर का की दोबारा अजान दी जाती थी तो फिर लोग जो है वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में आ जाते थे। तो असल में ये, और जुमे का भी यही है, जुमे की जो दो अजानें होती है ना, उसका भी यही था कि पहले जुमे की जब अजान दे दी गई तो अच्छा दूर दूर से लोग तैयार हो जाए, फिर जब जुमे की दूसरी अजान होती है उसके बाद से फिर खुतबा। और ये सिर्फ मस्जिद नबी और नॉर्मली मस्जिद नबी और मस्जिद हरम, ये दोनों में बिल्कुल इधर यहाँ की रिवायत है। थैंक यू वेरी मच। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ऊँटनी कस्बा जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलाम उसके ऊपर आ रहे थे, तो इधर से चलते चलते आगे काफिला बढ़ा। तो जब इस एरिया में नबी करीम अलैहिस्सलाम आ गए तो सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु जो हैं वो साथ साथ चलते आ रहे थे। उन्होंने ऊँट की नकेल पकड़ के कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम को कि इधर इस एरिया में एक मेरा जो घर है वो करीब है, तो आप मेरे पास आ जाइए। तो उसके बाद जो नबी करीम अलैहिस्सलाम है ना, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के घर चले गए। अब हम आज हम आपको दिखाते हैं वो घर था किधर। अभी तो वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु का घर था और साथ उनका कुआँ था। तो कुएँ से वो जो था उनसे पानी पीते थे। ये थोड़ा सा बताते जाएँ कि अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु का जो घर था ना, उसकी दो स्टोरीज थी, ठीक है। नबी करीम अलैहिस्सलाम मतलब दो फ्लोर जी, दो फ्लोर थे बिल्कुल। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम आए उस एरिया में पहुंचे तो अंसार की जो बांदियां हैं उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम का बहुत खूबसूरत अशार पढ़ के इस्तकबाल किया। तो फिर जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अशार सुने तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया कि आप मेरे से प्यार करती हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हम आपसे प्यार करती हैं। तो रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा बोला कि मैं भी आप लोगों से प्यार करता हूँ। 3 दफ़ा उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से उनके अशार का माशाल्लाह से जवाब दिया। और इस एरिया में तकरीबन उनको फिर वेलकम किया गया। अच्छा, तो अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु का जो घर है उसके बारे में कुछ आपको बताते चलें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पहले उसकी जो ग्राउंड फ्लोर है ना, वो उसके ऊपर नबी करीम अलैहिस्सलाम रहना शुरू कर दिया उन्होंने जब वो आए। कुछ ये 2-3 इसकी राय बनती हैं, कुछ मौरखीन कहते हैं कि तकरीबन वो कुछ महीने रहे, कुछ मौरखीन कहते हैं वो ज़्यादा देर रहे, कुछ ज़्यादा महीने रहे, लाइक 5-6 महीने रहे। तो ये दोनों रिवायतें बनती हैं मोरल मस्ते पे। अच्छा, एक चीज़ जो लोग अक्सर कहते हैं कि 1400 साल पहले जो सिटी ऑफ मदीना था आज उतनी ही बड़ी मस्जिद नबवी है, क्या ये बात सच है या ये मिथ है? 100% गलत बात है। जैसे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक के अंदर ये चीज़ आती है कि मदीना की बाउंड्री 2 पहाड़ों के दरमियान है, एक का नाम है जबल तौर और एक का नाम है जबल अय्यत। और अगर आप इसको कंसिडर करते हैं ना तो मदीना की बाउंड्री अच्छी खासी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, तो ये आप दिखाइए जुनेद भाई जी, ये जो आप ये वाली जो छतरी है ना, ये वाला ऑलमोस्ट ये एरिया बनता है। यहाँ पे इस एरिया में था सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु का घर और उनका कुआं होता था इस एरिया के अंदर। तो जैसे मैं बता रहा था कि सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु जो है उनके घर की 2 मंजिलें थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आके रहे, तो अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु उससे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर रहते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु से पानी गिर गया। और आपको पता है उसको छतें जो होती थी वो अपना इस किस्म के मटीरियल की होती, पत्तों वगैरह से होती थी। तो वो और उनकी बीवी जो हैं वो कोने में इस तरीके से लेटर है कि अल्लाह ना करे कि पानी जो है टपक के नीचे नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर गिर ना जाए और उनकी नींद ना डिस्टर्ब हो जाए। तो फिर उस सुबह जब ये वाक़या हो गया, उस सुबह वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास गया। उन्होंने कहा, या रसूल अलैहिस्सलाम, मेरा दिल नहीं मानता कि आप नीचे वाली मंजिल पर रहें और मैं ऊपर रहूँ। तो उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप ऊपर चले जाएँ। तो वो नबी करीम अलैहिस्सलाम जो हैं फिर ऊपर उसकी ऊपर वाली मंजिल के ऊपर चले गए और अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रहना शुरू कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में जब मस्जिद नबी बन गई, उसके बाद में उम्महातुल मोमिनीन के घर बनना शुरू हो गए। इस एरिया के अंदर जो ज़मीन थी ना वो अंसार की थी। तो जैसे जैसे फिर उम्महातुल मोमिनीन थी होती गई और उनके जो घर है ना यहाँ पे इस एरिया में बनना शुरू कर दिए। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम जो थे सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर चले गए। फिर बाकी बाद में उम्महातुल मोमिनीन के एरिया में घर बनना शुरू हो गए। ये इस एरिया से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना मदीना का जो पड़ाव है डाल के उन्होंने शुरुआत की थी। इस कब्रिस्तान का सही नाम है अल बकी अल गरकद। यहाँ पे दो कब्र हैं, ये मौला अली अलैहिस्सलाम के भाई हैं अकील बिन अबी तालिब। वो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो कब्रिस्तान होते थे। एक जिससे हम गुजरे हैं ये हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र है जो कि जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपना दूध पिलाया था। अमात यानी फुफियाँ, अल बकी यानी वो एरिया जहाँ पे दफन है। तो ये कब्रिस्तान का वो एरिया था जहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलाम की फुफियाँ दफन है।